हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, जैसे आपने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया है कि इस वीडियो में मैं बताऊंगी वो सनस्क्रीन, टॉप 5 सनस्क्रीन जो आप रोज लगा सकते हो। जैसे कि गर्मी बहुत ज्यादा है तो सनस्क्रीन के बिना तो बाहर निकला नहीं जा सकता। और मोर ओवर, लास्ट तक वीडियो देखो, मैं आपको टिप्स दूंगी कि सनस्क्रीन कैसे यूज करनी है। फर्स्टली, ये वीडियो कवर करेगी सारे स्किन टाइप्स। स्किन टाइप मीन लाइक कॉम्बिनेशन स्किन। और कमेंट डाउन बिलो अगर वी शेयर द सेम स्किन टाइप, जिसको एक्ने होते रहते हैं और ऑयली स्किन है और कॉम्बिनेशनल स्किन का जो है एक मिक्सचर है, तो व्हाई नॉट कमेंट डाउन बिलो की एंड प्लीज टाइप मी। ठीक है, मी। सो मूव टू द वीडियो। इस वीडियो में वो पार्ट भी कवर करूंगी जो कि ड्राई स्किन वालों के लिए है, कि कौन सा सनस्क्रीन जो है उनके लिए यूज हो रहा है। एंड मोस्ट अवेटेड, जो कि मुझे बहुत सारे लोग डीएम करते हैं कि मैम कुछ जो है वो बॉयज के लिए भी कुछ बताओ, कोई मतलब मेन स्किन केयर के लिए भी बताओ, कुछ मेन के रिव्यूज भी करो। तो गाइज, योर वेट इज ओवर। आपके लिए भी सनस्क्रीन है कि आप भी सनस्क्रीन, जो यूनिसेक्स सनस्क्रीन्स हैं, मैं वो भी बताऊंगी कि जो मेन भी यूज कर सकते हैं। और इसमें ड्राई स्किन भी कवर होगा, इसमें दोनों कवर होंगे, दैट इज ड्रग स्टोर एज वेल एज डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड। और वो भी बताऊंगी जो सनस्क्रीन नो नो है, डोंट यूज दैट सनस्क्रीन। तो फर्स्ट जाएंगे टाइप मी, लाइक मेरे वाला जो जिनका सनस्क्रीन का जो मेरे स्किन टाइप शेयर करते हैं, दैट इज ऑयली प्लस कॉम्बिनेशनल, या फिर जिनको हम कॉम्बिनेशनल भी बोल सकते हैं और ऑयली भी बोल सकते हैं। कॉम्बिनेशनल कंटेन बोथ ऑयली एज वेल एज ड्राई। तो सबसे पहले डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड है, दैट इज सोला सेफ। सोला सेफ जो है, इसमें है ये SPF 50 है सनस्क्रीन जेल। और मैं कंसिस्टेंसी साथ में आपको पैचेस भी देती रहूंगी। स्किन ब्राइटनिंग क्रीम है, यस। और ट्रस्ट मी गाइज, ये मैं 4 महीने से यूज कर रही हूँ, लिटरली 4 मंथ्स, और लिटरली मेरे स्किन में इम्प्रूवमेंट आई है। अदर देन स्किन में जो ये यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने के अलावा, ये आपकी स्किन भी ब्राइट करती है। तो दिस इज हाईली रिकमेंड। इट कंटेन विटामिन सी, विटामिन ई एंड एज डिफाइनिंग तो ऐसा मुझे कुछ प्रॉमिसिंग फील नहीं हुई। एंटी ऑक्सीडेंट एंड स्किन ब्राइटनिंग तो 100% की आपकी स्किन ये इम्प्रूव करती है। और ये रहा, देखो मतलब ये निकल भी नहीं रहा, ये इसका वो है, मतलब स्पॉच है। यू हैव टू जस्ट, जो भी आपने लगाना है, जस्ट टेक अ पीस, यहाँ पे मैं पीस टाइप ही दिखा रही हूँ, लो और लगा लो। मतलब ये आपको नियर अबाउट 625 में पड़ जाएगी, और ये आपको नियर अबाउट 2 मंथ्स तो आराम से निकल जाएगी। तो देखिए, मैंने आपके सामने लगाया था, स्किन देखिए, ये वाला और ये वाला स्किन देखिए। आई होप माई कैमरा इज डूइंग जस्टिस। तो स्किन इम्प्रूव होती है और बहुत लाइट वेट है स्किन पे। सो दिस इज माई रिकमेंडेशन नंबर 1, एंड दिस इज हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी सारे के सारे। सो दिस इज नंबर 1। दिस इज नंबर 2। नंबर 2, दिस इज फोटो स्टेबल गोल्ड मैट फिनिश सनस्क्रीन। दिस इज अगेन डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो भी ये सनस्क्रीन अच्छी है। बेसिकली ये 50 है, ये 55 है, इट्स बेटर। बट ये जो है ये मैट फिनिश देती है, तो थोड़ा सा आपको मेकअप वाला लुक देगी। अगर तो आप रोज जो है ऑफिस गोइंग गर्ल हैं और मेकअप लगाना पसंद नहीं करते, मतलब आपको लगता है कि मे बी द क्लॉक द पोर्स गेट क्लॉक, तो आप ये सनस्क्रीन लगा सकते हो। और ये जो है PA++ है, 12 और एक्शन है। बट somehow मैं बिलीव नहीं करती कि कोई भी सनस्क्रीन 12 आर तक वर्क करती है। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम है इसका, ये 50 ग्राम आती है नियर अबाउट 700 की। तो ये मेरी सेकंड रिकमेंडेशन है, आप फर्स्टली पहले इसके साथ जाइए। लेकिन अगर आप मेकअप लवर नहीं है और कहते हैं कि बस मैं कुछ मुंह पे ना लगाऊं और मुझे ऐसे ही में निकल जाऊं और लगे भी कि मैं अच्छी तैयार हुई हूं, तो गो विद दिस, क्योंकि ये मैट लुक है। दिस इज माय सेकंड रिकमेंडेशन। थर्ड रिकमेंडेशन इज फोटो स्टेबल सनस्क्रीन। और ओके, दिस इज SPF 40, दिस इज 50, दिस इज 55, दिस इज 40, फोटो स्टेबल सनस्क्रीन। ओके, तो ये जो है ये ब्रांड क्या है, ये ब्रांड है रिगलीज और ये ब्रांड है बेलो। ये फोटो स्टेबल गोल्ड है, इट इज ओनली फोटो स्टेबल। तो ये सनस्क्रीन मैं रिकमेंड करती हूँ यूनिसेक्स, मतलब आई विल रिकमेंड दिस टू मेन एज वेल एज वुमेन। और ये भी मैं मेन एज वेल एज वुमेन को रिकमेंड करती हूँ,
ये मैं नहीं रिकमेंड करूंगी मेन को, क्योंकि ये इट विल गिव यू अ मेकअप लुक, थोड़ा सा आपको मेकअप लुक देगा एंड मे बी ये मेन पे उतनी अच्छी ना लगे, आप लगेगा कि आपने शायद मेकअप वेयर किया है. एंड अगर आप ऑफेंड नहीं होते हो ये कि मैंने मेकअप वेयर किया है, तो आप इसके ये भी यूज कर सकते हैं, बट पीपल गेट ऑफेंडेड कि उनको कोई बोले, स्पेशली मेन, कि उन्होंने मेकअप वेयर किया. इट्स नॉर्मल नाउ, द थिंग्स आर गेटिंग नॉर्मलाइज, इट्स ओके अगर आपने मेकअप वेयर की है. तो दिस इज नॉट रिकमेंडेड दैट मच इफ यू डोंट लव टू वेयर मेकअप. आई एम टॉकिंग अबाउट द मैन, सो सम वीमेन डोंट गेट ऑफेंडेड कि वाई आर यू सेइंग मैन वेयर मेकअप, मैन वेयर मेकअप, ओके. सो दिस इज नॉट रिकमेंडेड इफ यू डोंट लाइक टू वेयर मेकअप. एंड ये दोनों अगर आप मेकअप नहीं लगाना पसंद करते हैं, तो इट विल गिव यू अ नथिंग, जस्ट अ नेचुरल लुक जैसे आप हैं, इट विल गिव यू थोड़ा सा मेकअप, ठीक है. एंड दिस इज हाईली रिकमेंडेड टू यू. दिस ये कॉस्ट करेगी आपको नियर अबाउट 700 की. तो अगर तो आपको ये सेल पे मिल जाती है, तो ये सेल पे भी 625 की जाएगी. ये द मैट रिकमेंडेड है. सो दिस आर द सनस्क्रीन्स जो कि मैं डर्मैट रिकमेंडेड है और ऑयली स्किन के लिए मैं रिकमेंड करती हूँ. नेक्स्ट है डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड न्यूट्रोजीना, सबकी फेवरेट. मैंने ये सनस्क्रीन नियर अबाउट 2.5 ईयर लगाई है, और ये मुझे तब लगा कि थोड़ा चेंज करना चाहिए, कि आई थिंक एक प्रोडक्ट बहुत देर तक लगाओ तो शायद स्किन जो होती है वो उसको उसका पैटर्न समझ जाती है और वो उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको लेना बंद कर देती है. तो दैट्स व्हाई आई स्टॉप्ड यूजिंग दिस. अगर आपका बजट कम है तो गो विद दिस सनस्क्रीन, एंड इट इज रिकमेंडेड टू बोथ मेन एज वेल एज वीमेन. दिस इज हाईली हाईली रिकमेंडेड. SPF 50 न्यूट्रोजीना का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा. सो दिस इज माई फोर्थ सनस्क्रीन फॉर ऑयली, एंड दिस इज यूज फॉर ड्राई स्किन एज वेल, बिकॉज ये ऑल स्किन टाइप है तो आप कोई भी लगा सकते हैं. बट मैंने ये 2.5 ईयर तक लगाई है, तो दैट्स वाई आई एम रिकमेंडिंग दिस प्रोडक्ट. नेक्स्ट इज फॉर हाईली हाईली ड्राई स्किन, दैट इज नॉर्मल टू ऑयली स्किन, जो यहां दिखाई गई है कि नॉर्मल टू ऑयली है, बट एज सच ये वर्क करती है ग्रेट फॉर द ड्राई स्किन. सो दिस इज लोटस हर्बल सेफ सन, एंड इसका SPF भी है 50, और ये भी फेस को ग्रीस नहीं करती है. एक्चुअली सब ही जो ये सनस्क्रीन है ये हैवी नहीं है फेस पे, बट ये भी हैवी नहीं है ड्राई स्किन के लिए. ड्राई स्किन को जरूरत होती है मॉइस्चर की, तो इट विल प्रोवाइड दैट सफिशियंट मॉइस्चर एज वेल. सो दिस इज हाईली हाईली रिकमेंडेड टू यू. एंड मोर ओवर गाइज, आप नीचे क्वेश्चन लिखोगे आपकी तो ऑयली स्किन है, आपको कैसे पता ये ड्राई स्किन के लिए. सो गाइज, आपका काम मैं आसान करने के लिए बैठी हूं ना, तो आई हैव वेंट थ्रू सम पीपल, एंड जो ड्राई स्किन यूज करते हैं, तो ड्राई स्किन है जिनका, तो वन ऑफ द हाइएस्ट रिकमेंडेड प्रोडक्ट फॉर ड्राई स्किन इज लोटस का. ये दिस इज रिकमेंडेड बाय वन ऑफ माई कॉलीग, कि कॉलीग नॉट कॉलीग दैट्स अ सीनियर, कि ये उनकी बहुत ड्राई स्किन है, एंड शी सेड कि दिस वर्क मिरेकल. एंड व्हेन आई वेंट टू हर कि मैम आप कौन सा सनस्क्रीन रिकमेंड करते हैं क्योंकि आपकी बहुत ड्राई स्किन है, तो ट्रस्ट मी शी जस्ट गिव मी दिस वन, कि रोहिणी गो विथ दिस, बिकॉज एक ड्राई स्किन वाला एक ड्राई स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज्यादा समझ सकते हैं. एंड आई टोल्ड हर कि क्या आपको इसमें से क्या एनालिसिस आई, तो शी सेड कि दिस गिव अ मॉइस्चर टू माई स्किन एंड इट वर्क रियली रियली वेल. सो इसको मैं स्पेशली निकाल के दिखाना चाहूंगी. कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल जेल बेस्ड है, देख लो बिल्कुल फॉर्मुलेशन इसकी जेल बेस्ड है. एंड शी सेड कि मोर ओवर इट एड शाइन टू द फेस स्किन. और अगर आपको कोई यूट्यूबर बोलता है कि वो ड्राई स्किन भी के लिए भी प्रोडक्ट्स लगाता है, सारे स्किन के लिए लगाता है, तो वो झूठ है, क्योंकि नहीं पता चलता है. तो दिस इज रिकमेंडेड बाय माई सीनियर जिनकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है. दिस इज द प्रोडक्ट लोटस का, इसका प्राइस है 455. ऑब्वियसली सेल लगेगी, आपको सस्ते में मिल जाएगा. अगर आपकी ड्राई स्किन है गो विद दिस प्रोडक्ट. सो नेक्स्ट सनस्क्रीन जो कि मैंने कुछ टाइम के लिए लगाई, दैट इज लैक्मे सन एक्सपर्ट, जो कि एक ड्रग स्टोर रिकमेंडेड प्रोडक्ट है. इसका SPF है 24. कम SPF है, दैट्स वाई मैंने इसको छोड़ दिया, और मतलब थोड़ी देर के लिए लगाई उसके बाद छोड़ दिया, क्योंकि SPF जितना ज्यादा होगा आपके लिए उतना ही अच्छा होगा. सो दिस इज द प्रोडक्ट विच इज गुड, मतलब अगर आप कम SPF पे
जो है इन्वेस्ट करना चाहेंगे. वैसे करना क्यों चाहेंगे मैं ये सोच रही हूँ, अगर आप इसका प्राइस है 355, अगर आपने 355 ले लिया तो वाई नॉट एड 100 एंड गो फॉर न्यूट्रोजीना, गो फॉर सोला सेफ और फोटोस्टेबल गोल्ड. सो दिस इज बेसिकली लोशन है जो मॉइस्चराइजेशन का भी काम करता है, सनस्क्रीन का भी काम करता है. दिस इज वन ऑफ दोज प्रोडक्ट. नेक्स्ट आता है जो अभी अभी प्रोडक्ट जो है लॉन्च हुआ है, दैट इज 1% हाइड्रोलिक सनस्क्रीन एक्वा जेल. सो दिस इज अगेन रिकमेंडेड बाय अ फ्रेंड ऑफ माइन कैरिंग ड्राई स्किन, की ये ड्राई स्किन के लिए है. तो दिस इज द प्रोडक्ट फॉर ड्राई स्किन गाइज. ड्राई स्किन वाला जो प्रोडक्ट है देखिए, ये भी जेल बेस्ड है तो इट विल डायरेक्टली एड टू योर स्किन एंड गिव यू अ ग्लो. सो दैट्स वाई वन मोर प्रोडक्ट टू द ड्राई स्किन. ड्राई स्किन वाले पीपल कैन यूज दिस वाला सनस्क्रीन. एंड नेक्स्ट सनस्क्रीन यू आर मोस्ट अवेटेड, दैट इज सेंसिटिव स्किन. सेंसिटिव स्किन कहा गया टू डर्मा का सनस्क्रीन जेल विच इज कॉस्ट फॉर 949, और ये सेंसिटिव स्किन के लिए है. अगेन आई हैवंट यूज दिस प्रोडक्ट बिग, बट आई हैव वेंट टू द पीपल और ये मेरी कॉलीग ने रिकमेंड किया है कि उनकी बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है, लाइक वेरी वेरी सेंसिटिव स्किन. एंड शी सेड कि मैंने इतने सालों से बड़े ज्यादा सनस्क्रीन लगाए एंड आई एंड अप लाइक दिस प्रोडक्ट, दैट इज टू डर्मा का सनस्क्रीन लोशन. एंड व्हेन आई टॉक टू हर कि यू वांट टू चेंज इट फॉर एनी अदर सनस्क्रीन, शी सेड नो, बिकॉज सेंसिटिव स्किन में प्रोडक्ट ट्राई करते ही उनके स्किन में जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स, इचीनेस आना स्टार्ट हो जाती है. सो सेंसिटिव स्किन वालों, ये आपका प्रोडक्ट आ गया. इट इज SPF 50 एंड इट इज फ्रॉम ब्रांड रिगलीज. एंड अगेन क्रिटिकल वेवलेंथ ऑफ 375 nm इट विल कवर. नाउ द प्रोडक्ट विच आई डोंट रिकमेंड टू यू इज VLCC का एंटी टैन सनस्क्रीन लोशन. भाई ये तो मेकअप ही है, ये तो टोटल मेकअप है. मतलब ये मुझे आज तक एक ये जो प्रोडक्ट है ये टोटल आपको ऐसा लगेगा भर भर के मेकअप लगाया, और ये है बहुत हैवी लगता है फेस पे. सो दिस इज द प्रोडक्ट. तो दिस प्रोडक्ट आई डोंट रिकमेंड यू एट ऑल एज अ सनस्क्रीन लोशन. सो गाइज दिस आर द प्रोडक्ट्स. एंड कॉमेंट डाउन बिलो कि आप कौन से स्किन के टाइप के हो और कौन सा आपको जो सनस्क्रीन है अच्छा लगता है. और सून आई एम गोइंग टू ट्राई दैट इज वन मोर सनस्क्रीन, दैट इज बाय मामा अर्थ, जो कि बहुत हाइप पे है. सो उसका रिव्यू मैं आगे दूंगी. और कॉमेंट डाउन बिलो कि अगर आप किसी और सनस्क्रीन का जो है रिव्यू चाहते हैं, सो कॉमेंट डाउन बिलो. आई हैव अ कॉम्बिनेशनल स्किन, सो दिस आर माई रिव्यू. ओके नाउ मिथ्स अबाउट द सनस्क्रीन लोशन. लोग कहते हैं कि सनस्क्रीन लोशन अगर आप अंदर हैं घर के तो नहीं लगाना चाहिए, दैट्स रॉन्ग. अगर आप घर के अंदर भी हैं और आप मतलब सन एक्सपोजर में नहीं जा रहे हैं या बाहर सन में नहीं जा रहे हैं तब भी आपको सनस्क्रीन लगाना है, ठीक है. रूल नंबर वन, आप जो है सनस्क्रीन दिन में एक बार लगाते हैं, नो. सनस्क्रीन जो है आफ्टर 6 आवर्स आपको लगाना चाहिए, बिकॉज आफ्टर जब आपने लगा लिया 6 आवर्स तब तक वो वर्क करेगा, उसके बाद वो काम नहीं करेगा. आफ्टर 6 आवर जो है आपकी जो रेज है वो पेनिट्रेट कर जाएंगी. सो ट्राई टू यूज आफ्टर 6 आवर्स आपको उसको वापस लगा लीजिए. नाउ द थर्ड मिथ अबाउट द सनस्क्रीन लोशन की आपको हमेशा हैवी सनस्क्रीन लोशन लगाना चाहिए, लाइक लेयर बाय लेयर लेयर बाय लेयर. नो, जस्ट गो विद वन लेयर फर्स्टली, देन आफ्टर 6 आवर आपको उसको चेंज कर देना चाहिए. ओके नाउ यहाँ पे अब मैं टोटल एक मेरी टॉप 3 सनस्क्रीन जो मैं आपको बोलूंगी, दैट इज फॉर यूनिसेक्स. आप कोई भी हैं, अगर बॉयज के लिए हैं बॉयज हैं तो भी, आप मेन हैं तो भी, बॉयज मेन जो भी हैं आप लगा सकते हैं. सो फर्स्ट सनस्क्रीन इज सोला सेफ सनस्क्रीन. ये आप गो विद इट, आपको मतलब कोई फेस में प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो गो विद दिस सनस्क्रीन. सेकेंड सनस्क्रीन आई वुड से दैट इज फोटो स्टेबल सनस्क्रीन, गो विद इट. थर्ड सनस्क्रीन इज दिस, दिस इज न्यूट्रोजीना का सनस्क्रीन. एंड फोर्थ अगर आप ड्राई स्किन वाले हैं तो दिस. सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. कॉमेंट डाउन बिलो. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. कॉमेंट डाउन बिलो, आपको कोई क्वेरी है या कुछ भी है तो I'll try to give you an answer. Thank you.